लिए कर रहा है, गरीब अमीर सब के लिए। अच्छा, क्या क्या किया है? सब कुछ दवाई दारू सब कुछ कर रहा है। शासन जी कितना बढ़िया चला रहा है, बढ़िया चल रहा है। गुंडागर्दी जो गुंडे है वही लोग कह रहे हैं कि गुंडागर्दी कर रहे हैं। हाँ जी, उन्हीं के लिए गुंडे बस कम हुई है। ऐसा मुख्यमंत्री कभी नहीं बना है जो इन भू माफियाओं पे और गुंडे लोगों पे आक्रमण किया हो जी। ऐसा क्योंकि मैं खुद पुलिस का भी व्यवहार पहले देखा है, अखिलेश सरकार में भी देखा है जो पुलिस का व्यवहार जब होता था और अब में बहुत फर्क है। जो धर्म के ऊपर प्रॉपर काम करे उसी की बननी चाहिए। कौन कर रहा है? अब योगी साहब तो कर ही रहे हैं, मोदी साहब भी कर ही रहे हैं, लेकिन काम के आधार पर कम होना चाहिए ना, वोट जाति पर नहीं होना चाहिए। बहुत गुंडागर्दी कम है, फॉर्मल अच्छा है, सड़कें बन रही हैं, काम हो रहे हैं, ये कुछ चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन किसी स्तर पर ना बहुत सारी चीज़ें कमी भी हैं। अगर अच्छा ही है तो बुराई भी है। जी, जी, बुराई ये है कोटा नीति हटा दी। अंकल आप कैसे देखते हैं, किसकी सरकार बनेगी इस बार उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश योगी जी आएंगे। लोग अभी तो भैया कह रहे हैं योगी जी ने गुंडागर्दी। अरे हर पार्टी की दो चार तो होती है कहने वाले। विकास दुबे के मारने से ब्राह्मण विरोधी हो गए। मुलायम सिंह ने कार सेवक को गोली चलाई तो वो कौन से विरोधी थे? अच्छा। सरदार इंदिरा मार दी वो कौन सी विरोधी थी? अरे बदमाश को मारना कोई विरोध है तो फिर दुनिया में तो फिर सब सरकार बदमाशों की हो जाएगी, शरीफ रहेंगे कहाँ? मुख्तार अंसारी को मार दो तो मुसलमान विरोधी हो जाएंगे योगी जी। इन्हें मारो थोड़ी ना, देवता बना के पूजो जब अच्छे रहेंगे। और अगर बुरे आदमी को मार दो तो सरकार खराब है। इन्हें पनपा विकास दुबे बना कहाँ से था? किसने बनाया था? किस पार्टी का नेता था वो? उसमें इतनी प्रॉपर्टी आई कहाँ से? जब कि इनकी आंखें मिच गई थी अखिलेश यादव की। आजम का कहाँ से आए? मुख्तार अंसारी आए कहाँ से? इन्हें पैदा इन्होंने ये नेता ही करते हैं, कोई दूसरा नहीं करता है। तो अपनी पार्टी हार के वो मार दिए तो वो ब्राह्मण विरोधी हो गए। जनसंख्या भी आ रहा अब तो यूपी में। अरे कायदे की बात है, जब मान लो आबादी इतनी बढ़ेगी तो आदमी रहेगा कहाँ? ये बताओ आप, जिसमें चार बच्चे पांच बच्चे स्कूलों की फीस देखो, स्कूल फैक्ट्री की तनख्वाह देखो, कहाँ से पालेगा? फिर वो चोरी करेगा, चकारी करेगा, लूटपाट करेगा। दो बच्चे होंगे तो अपना सक्षम होकर पालेगा तो सही। जी बिल्कुल। फिर अंकल जी 2022 में इलेक्शन है यूपी में, सरकार किसकी बननी चाहिए? योगी जी की। योगी जी की क्यों? जी क्योंकि जितना अच्छा काम वो इस समय कर रहे हैं, चाहे कोविड के नियंत्रण में हो, चाहे अपराध नियंत्रण में हो, चाहे भू माफियाओं पे हो, किसी भी फील्ड में हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भगवान करे योगी जी ही इस बार भी बने और अगली बार भी योगी जी ही बने। लोग तो कह रहे काम ही नहीं करके दिया। नहीं नहीं नहीं, वो अब उन लोगों को पता नहीं कैसा काम चाहिए। बहुत अच्छा काम हो रहा है और योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब जो बंदा जिसके फादर एक्सपायर हो गए उस तक में नहीं गया कोविड के कारण, तो ऐसे बंदे बहुत मुश्किल से मिलते हैं इस समय। पर भी कह रहे थे कि अपने पापा की नहीं, नहीं, वो, नहीं वो। अब लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसे बंदे बहुत बड़े दिनों के बाद पैदा होते हैं। योगी जी हों और मोदी जी हों, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा काम, बिल्कुल। अब किसान तो बैठे हुए आंदोलन पर, वो ये किसान नहीं है जो ये किसान बैठे हुए हैं, ये किसान नहीं है। यूपी में किसकी सरकार बनेगी इस बार? देखो सरकार तो योगी जी की बनेगी। कह रहे लोग गुंडागर्दी बढ़ा दी योगी जी ने। गुंडागर्दी खत्म कर दी। खत्म कर दी, बिल्कुल खत्म है अब यूपी में। और अरे आदमी किसी टाइम कहीं हो जाओ, नहीं तो पहले तो गुंडे फैसला करवाते थे। अच्छा। और गुंडे फैसला करवाते थे, उन्हें दलाली लेते थे बीच में से। अब कोई गुंडा ऐसा नहीं है कि किसी का फैसला करवाने पहुंच जाए। जी जी जी। हिम्मत नहीं है। सरकार काम कर रही है, पुलिस में जाओ कंप्लेंट लिखवाओ, तुम्हारा काम होएगा। जी राकेश शिकेत किसान नेता कह रहे हैं कि लखनऊ घेरेंगे अब वो, जैसे दिल्ली घेर रखा। देखो ऐसा है, सुनो 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 मेरी बात। जिनके पास कोई काम नहीं, किसान है, आदमी अपने खेत में काम कर रहा है, उसे काहे की फुर्सत है? जी। नेता है, फ्री में अपना काम करने पे लग रहा है, वहाँ दो चार आदमी उसके साथ लगे हुए हैं उनका। दस पेट्रोल पंप चल रहे हैं। भाई सुनो भाई, मैं हूँ मजदूर आदमी, नौकरी करूँ सीना पिस्टन में जी। मुझे फुर्सत ना, किसान को फुर्सत कहाँ है? किसान तो खेत से निकल ही ना बाहर। ये तो खाली ऐसा है सरकार को बदनाम करने का काम है। देश में 80% आदमी सरकार के खिलाफ नहीं है। सरकार काम कर रही है, दिखाई दे रहा है जी। हमें यहाँ आने में जाम जूझने पड़े, हम 2 मिनट में आ जाए यहाँ। अच्छा। गाजियाबाद से यहाँ 10 मिनट लग जाए,
फ्लाई ओवर, हाईवे, कितनी सड़कें बनी है, किसी भी रोड पे चले जाओ, किसी रोड पे निकल जाओ आप, सड़कें हाईवे सब चीज मिलेंगी आपको। एक ही चीज और बताइए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आ रहा है, जिसके बाद देखा गया कि जो एक वोट बैंक की राजनीति करते हैं नेता लोग, चाहे विपक्ष के हो कुछ, वो फिर से निकल आए और कहने लगे कि जो ये कानून आ रहा है ये मुस्लिम विरोधी कानून है। तो क्या है ये मुस्लिम विरोधी? ये कानून सबके लिए एक समान है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। जी। भाई दो बच्चे, हम दो, हमारे दो, ये तो नियम कब से चलता आ रहा है। जी जी बिल्कुल। अभी अभी सरकार ने तो कही ना, ये तो कांग्रेस से पहले भी आ रहा है कि हम दो हमारे दो। सुखी परिवार कौन सा, जिसके कम, हमारे 10 बच्चे हो गए, हमारी औकात नहीं कि हम पढ़ा लें सबको। कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव है, किसकी सरकार बननी चाहिए? जो धर्म के ऊपर प्रॉपर काम करे उसी की बननी चाहिए। कौन कर रहा है? अब योगी साहब तो कर ही रहे हैं, मोदी साहब भी कर ही रहे हैं, तो हमारे ख्याल से इनको आना चाहिए। अच्छा। क्योंकि अभी तो बुनियाद रखी है काम की, अब एक भले एक दिन थोड़ी हो जाएगा, पता नहीं लगते लगते कितना टाइम लग जाएगा देश को सुधरने। अब हर बंदा अपने अपने दिमाग से चलता है। अच्छा। जो धर्म कहता है, धर्म तो वही कहता है कि आप सब सबके प्रॉपर चल के प्रॉपर सबको देखो, और मोदी जी और योगी जी प्रॉपर देख ही रहे हैं सबको, उनके लिए ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई बराबर है, सब उनके सब बराबर है उनके लिए। और क्या बात, और क्या विकास दिखा आपको उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने के बाद? बहुत सारी आइटमें देखी हैं, बहुत बहुत हो रही हैं। जी क्या कह रहे हैं भैया? विकास के मामले में तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ने, इससे पहले और भी सरकार थी काम करती थी पर उसमें घोटालाबाजी ज्यादा होती थी, इस सरकार में काम दिखाई दे रहा लोगों को, काम दिख रहा है। हाँ, तो गरीब आदमी की सबसे ज्यादा सुनवाई है, सबसे ज्यादा क्या है कि कोर्ट कचहरी कहीं चले जाओ सबसे पहले काम होते हैं। आप उत्तर प्रदेश में, मैं कह रहा हूँ जिला गाजियाबाद के अंदर तहसील में आप जाओ, पहले गरीब आदमी धक्के खाता था, अब ये है कि आप जिस टाइम जाओगे तुरंत सबसे पहले आपकी सुनवाई है। ये नहीं कि टाना टूनी केस पे टाइमिंग चल रही है, मतलब ये कि कुल मिला के ये कि विकास हो रहा जी उत्तर प्रदेश में, ज़्यादातर योगी राज में काम हुआ है। गुंडागर्दी तो वो तो चली आई है हर सरकार के में, पर भी योगी सरकार के में गुंडागर्दी खत्म हुई आधी से, बिल्कुल अखिलेश जी तो कह रहे बढ़ा दी। वो तो देखो जी, हर पार्टी विपक्ष में कोई ना कोई ऑप्शन रखते ही हैं, पर ये कि इन्होंने जो काम किए हैं वो ठीक किए हैं। आप कैसे देखते हैं, क्या योगी जी के राज में महिला सुरक्षा हुई है पहले से? हाँ पहले से हुई है। आप गुंडागर्दी कम हुई है पहले से योगी? गुंडागर्दी तो आप कहीं जहाँ पे भी देखोगे निकलोगे कहीं ना कहीं मिलेगी, फिर भी पहले से बेटर है, पहले से बेटर है जी। और बताइए कि अब राकेश शिकायत कह रहे हैं कि लखनऊ में, लखनऊ को घेरेंगे अब ये लोग जाके किसान, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ एक पार्टी का विरोध करने के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं? ये केवल योगी जी का और मोदी जी का विरोध कर रहे हैं बस, बाकी इन्हें ना किसी कृषि कानूनों से मतलब है ना किसी चीज से मतलब है। और क्या यूपी में गुंडागर्दी पहले से कम हुई है? कम हुई है। ऐसा मुख्यमंत्री कभी नहीं बना है जो इन भू माफियाओं पे और गुंडे लोगों पे आक्रमण किया हो जी। ऐसा क्योंकि मैं खुद पुलिस का भी व्यवहार पहले देखा है, अखिलेश सरकार में भी देखा है, जो पुलिस का व्यवहार जब होता था और अब में बहुत फर्क है जी। योगी जी की एक चीज और बताइए कि ये चीज और फैलाई जा रही है कि जो जब से विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है तो ये फैलाया जा रहा है कि ये जो सरकार है ये ब्राह्मण विरोधी सरकार है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये चाहे वो किसी भी जाति का गैंगस्टर हो, किसी भी जाति का हो, वो सबके ऊपर बराबर, जो मोहम्मद अतीक पे उन्होंने कार्रवाई की है तो वो तो ब्राह्मण नहीं है, तो बदमाश बदमाश होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है जी। सरकार बनेगी किसकी? सरकार पता चल जाएगा भैया, आप बता दो। हैं? आप बताओ किसकी? बीजेपी की बननी चाहिए वैसे तो। बीजेपी की बननी चाहिए, क्यों? हैं? क्यों बननी चाहिए? काम ठीक है, लोग तो कह रहे काम ही नहीं किया, आप कह रहे काम ठीक है, तो उनने कोई काम थोड़ी छीन लिए गवर्नमेंट ने भाई। गवर्नमेंट का तो काम है टैक्स लेना, गवर्नमेंट टैक्स ले रही है और अपना काम कर रही है सही। क्या क्या काम किया? विकास क्या क्या दिख रहा है यूपी में? भाई गाजियाबाद में देख लो, मेट्रो प्लस ये जो दूसरी मेट्रो रैपिड रेल बन रही है, और भी कई चीजें, हाईवे बन गया, सबसे बड़ी दिक्कत गाजियाबाद और बॉर्डर से जो रास्ता निकलता था सबसे ज्यादा जाम का वो था, मोदी के राज में बन गया, आज तक न बना। अखिलेश जी ने भी तो बनाया हाईवे, हमें तो अपने गाजियाबाद से मतलब है, हमें वहाँ से क्या मतलब, हमारे गाजियाबाद में क्या हुआ? तो कह रहे योगी सरकार ने विकास रोक दिया उत्तर प्रदेश का। कैसे रोका बताओ आप? वो
कैसे रोक रहे हैं, कैसे रोक रहे हैं बताओ, कैसे रोका बताओ आप? कह रहे हैं विकास से लोग मर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं लोग। कैसे मर रहे हैं ये तो बताओ। रेट बढ़ा दिए भाई, ये तो गवर्नमेंट का हक है, वो तो गवर्नमेंट लेगी। और जनसंख्या आ रहा, जनसंख्या कैसे देखते हो? जनसंख्या कम है, सही है, बढ़िया है, वो होना चाहिए। वैसे इसका भी विरोध किया जा रहा, गलत है ये। बता दीजिए अंकल, किसकी सरकार? सरकार उसकी बनेगी जो काम करेगा। अच्छा, किसने काम किया? जो भी करेगा। फिर भी आपके हिसाब से कौन कर रहा है? ये सरकार ने किया, पिछली ने किया, या उससे पिछली ने किया? पिछली ने भी किया, ये भी कर रहे हैं जी। लेकिन काम के आधार पर कब होना चाहिए ना वोट, जाति पर नहीं होना चाहिए। बीजेपी करती है जाति की बिरादरी की वोट, का तो अभी से शुरू कर दिया बसपा और सपा ने। कह रहे ब्राह्मण हमारे साथ है सब, ये देखे, ये तो प्रोपेगेंडा है, हर आदमी बोलता है। समाजवादी कुछ बोलेगी, ये भी तो कहते हैं, फिर ये भी तो बोलते हैं, दो बच्चों का कानून लेके आए, ये कानून जमीन पे क्यों आया? इसे पार्लियामेंट में लेके आओ ना फिर। पहले तो सभी के लिए, सब के लिए। पहले एमपी एमएलए के लिए रोको ना वोट अगर करने की आप रोक रहे हो तो। आया ये कानून सब के लिए है, अगले साल से सब के लागू। नहीं हो रहा ना लागू, जब तक नहीं होगा जब तक कैसे मान ले, हवा में कोई मान लेंगे भैया। ये तो सब होना चाहिए ना, जिस तरीके से होगा फिर। गुंडागर्दी कम हुई है पहले? बिल्कुल हुई है, जो चीज सही है वो ही है, बहुत गुंडागर्दी कम है। और क्या क्या विकास देखने को मिला है? विकास नॉर्मल अच्छा है, सड़कें बन रही हैं, काम हो रहे हैं, ये कुछ चीजें अच्छी हैं। लेकिन किसी स्तर पे ना बहुत सारी चीजें कमी भी हैं। अगर अच्छा ही है तो बुराई भी है। बुराई ये है, कोटा नीति हटा दी। कोटा नीति हटाने से क्या हुआ कि व्यापारी, एक व्यापारी करोड़ों रुपये अरबों रुपये का माल भर लेता है, तो वो अपने 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 रेट पर बेचेगा ना, बेचेगा फिर वो उसके रेट पर नहीं बेचेगा। इसी तरीके से इन्हें कोटा नीति हटाने का फर्ज मतलब ही नहीं बनता, गलती करते सरसों में आपने 4,000 या 5,000 रुपये कुंटल का रेट रखा जी। उसके बाद में सरसों एक साथ बाजार से गायब हो गए, वो 7,000 रुपये पहुँच जाती है, तो कहाँ गई सरसों? देश की पैदा हो रही है तो देश के देश में ही है ना। तो ये कोटा नीति हटाने से परेशानी भी है भैया, और डीजल पेट्रोल सिंपल सी बात है, डीजल पेट्रोल पर बहुत ध्यान देना चाहिए। जीएसटी में क्यों नहीं लेके आए, सालों साल जिंदगी गुजर गई जी। बिल्कुल बिल्कुल लाना चाहिए।